नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। कोविड 19 की तीसरी लहर के कारण बिहार भर में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। शिक्षा मंत्री की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में कम हुए हैं और विभाग सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही दिया जाएगा। उसी दिन कोई अंतिम फैसला होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि 7 फरवरी से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। 100% बच्चों और शिक्षक की उपस्थिति के साथ ही ये खोले जाएंगे। मंत्री ने ये भी कहा कि शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर में राज्य में जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, तब सरकार ने स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार बिहार में स्कूल कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग हो रही थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के संगठन ने साफ तौर पर कहा था कि अगर स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को नहीं खोला जाता है तो 7 तारीख से राज्यव्यापी जो है आंदोलन शुरू होगा। लेकिन अब स्थिति जो है वो नियंत्रित नजर आ रही है, क्योंकि कोविड 19 के मामलों में बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे करके स्कूल और सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा रहा है। यही कारण है कि बिहार में भी अब शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की तैयारी हो रही है, और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान के बाद अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि 7 तारीख से बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोल दिया जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार के सभी स्कूल कोचिंग और कॉलेज में बच्चों की चहलकदमी एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।